और बात करते हैं इसके सर्विस अंतराल, वारंटी और कीमत की। इसके अंदर सुधार करते हुए शाफ्ट सिस्टम दे रखा है, आप देखेंगे कि लिंकों की संतुलन के लिए यहाँ पर शाफ्ट सिस्टम दे रखा है, काफी मजबूत और हैवी ड्यूटी। 24 घंटे और सातों दिन इसके अंदर एक बटन दिया गया है, कोई भी ट्रैक्टर के अंदर तकनीकी खराबी आ जाती है या ट्रैक्टर के बारे में आपको कुछ जानना है तो उस केयर बटन को आप 5 सेकंड तक दबा के रखें। हेलो नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फार्म ट्रैक की तरफ से आने वाले सबसे दमदार और लोकप्रिय मॉडल फार्म ट्रैक 35 चैंपियन ऑलराउंडर का। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर को कंपनी ने इस मॉडल को बंद कर दिया था पहले, लेकिन किसान भाइयों की जरूरत और डिमांड के आधार पर 2023 के अंदर इस ट्रैक्टर को रिलॉन्च कर दिया था कंपनी ने। यह ट्रैक्टर किसान भाइयों को काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि यह ट्रैक्टर जाना जाता है अपनी लॉन्ग लाइफ, कम मेंटेनेंस और बढ़िया डीजल एवरेज के लिए। जो किसान भाई 35 हॉर्स पावर से लेकर 40 हॉर्स पावर की जो कैटेगरी है इसके अंदर ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है फार्म ट्रैक 35 ऑलराउंडर। इसका आज हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं और 2023 के अंदर इसे रीलॉन्च किया था, 2024 के अंदर आपको यह ट्रैक्टर किस कीमत और किन नई खूबियों के साथ में मिलेगा सभी पर कंप्लीट बारीकी से चर्चा करने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज के रिव्यू को फार्म ट्रैक 35 ऑलराउंडर। किसान साथियों, सबसे पहले बात करें इसके लुक्स और कलर कॉम्बिनेशन की, तो यह ट्रैक्टर ब्लू और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आता है जो कि पहले के जैसा ही है, कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं किया है और मेटेलिक पेंट के साथ में यह ट्रैक्टर दिया जाता है जो कि सालों साल तक खराब नहीं होता, इसकी चमक है जो बरकरार रहती है। और लुक्स की अगर बात करें तो पुराना जो क्लासिक विंटेज लुक जो फार्म ट्रैक का आता है, जो सबसे ज्यादा किसान भाई पसंद करते हैं, उसी लुक्स के अंदर इस ट्रैक्टर को बनाया गया है जो काफी अट्रैक्टिव और सुंदर दिखता है। किसान भाइयों, ब्रांडिंग की बात की जाए तो फार्म ट्रैक की सामने की तरफ आप देखेंगे तो 3D के अंदर फार्म ट्रैक लिखा हुआ है काफी सुंदर डिजाइन के अंदर, और साइड के अंदर भी आप देखेंगे कि जो ब्लैक पट्टी के ऊपर यहां पर लिखा हुआ है व्हाइट कलर के अंदर 35 और आगे लिखा हुआ है फार्म ट्रैक और आगे चैंपियन की यहां पर ब्रांडिंग कर रखी है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है ऑलराउंडर। किसान भाइयों, सामने की तरफ अगर देखेंगे तो हम 35 लिखा हुआ है 3D के अंदर और एक ग्रिल के द्वारा इसको डिजाइन किया हुआ है, काफी सुंदर और अट्रैक्टिव बनाया गया है आगे से ट्रैक्टर को, और एक बड़ी जाली दे रखी है रेडिएटर के अंदर प्रॉपर हवा पहुंचाने के लिए, और आप देखेंगे आगे की तरफ एक बड़ा हैवी ड्यूटी 35 केजी का बम्पर कंपनी फिटेड मिलता है, और बम्पर के ऊपर भी आप देखेंगे यहां पर फार्म ट्रैक ट्रैक्टर्स की ब्रांडिंग कर रखी है। किसान साथियों, आगे की तरफ लाइट की बात करें तो इसके अंदर हेलोजन बल्ब के साथ में बड़ी लाइटें दे रखी है रात के अंदर काम करने के लिए। इसके साथ ही अगर हम फ्रंट एक्सल की बात करें तो इसके अंदर स्ट्रेट हैवी ड्यूटी नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल दिया जाता है। किसान साथियों, यह ट्रैक्टर सिंगल पीस बोनट के साथ में नहीं दिया जाता कंपनी के द्वारा, अलग अलग पीस इसमें खुलते हैं, देख सकते हैं बोनट का ये आगे का हिस्सा है, ये दो पीछे के हिस्से हैं, और हैवी ड्यूटी मेटेलिक बॉडी के साथ में ट्रैक्टर आता है। एयर क्लीनर की बात करें तो इसके अंदर हमें ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर देखने को मिलेगा, और आगे का हमें बोनट खोलने के लिए इस एयर क्लीनर को यहाँ से ऐसे निकालना होगा। आप देखेंगे एयर क्लीनर और जो साइलेंसर है ये बॉडी पार्ट के ऊपर ही दिया जाता है। इस प्रकार हम इस स्विच के द्वारा ट्रैक्टर के आगे के हिस्से को खोलते हैं, और आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने जैसा बताया कि इसमें ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर देखने को मिलेगा, सामने की तरफ हॉर्न दे रखा है, और इसमें रेडिएटर की बात करें तो एल्यूमिनियम का हैवी ड्यूटी कूलेंट कूल्ड विद रिजर्वायर के साथ में रेडिएटर देखने को मिलेगा। बोनट को खोलने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर दो ब्लॉक दे रखे हैं, इनको सीधा ही ऊपर करने के बाद ये बोनट आसानी से खुल जाता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर कूलेंट का टैंक आगे की तरफ दे रखा है, कूलेंट कूल्ड विद रिजर्वायर के साथ में इसका रेडिएटर दिया जाता है, और सेपरेटर इसमें कूलेंट टैंक दे रखा है। किसान साथियों, यह ट्रैक्टर मैनुअल और पावर स्टीयरिंग दोनों के साथ में आता है, इसके अंदर सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया जाता है, और पावर स्टीयरिंग का पंप आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, और पावर स्टीयरिंग को लॉन्ग लाइफ और मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए इसमें देखेंगे पावर स्टीयरिंग का ऑयल का टैंक सेपरेट रखा गया है, अलग से दिया जाता है, आप देख सकते हैं मेटल का यहाँ पर बना हुआ पावर स्टीयरिंग का ऑयल का टैंक।
किसान साथियों, इसमें पंप की बात करें तो इसमें माइको बोस कंपनी का इनलाइन पंप दिया जाता है, आप देख सकते हैं। इस पंप की खास बात यह है कि यह मेंटेनेंस फ्री और लॉन्ग लाइफ पंप होता है और यह सिंगल डीजल फिल्टर के साथ में दिया गया है कंपनी के द्वारा। और इसको मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए और टंकी के अंदर कई बार भाप के द्वारा या फिर डीजल में मिलावट के कारण पानी वगैरह आ जाता है, तो पंप की सुरक्षा के लिए इसमें आप देखेंगे वाटर सेपरेटर की भी सुविधा दे रखी है कंपनी ने। किसान भाइयों, इसके इंजन की बात की जाए तो फार्म ट्रैक कंपनी के खुद के द्वारा बनाया गया 4-स्ट्रोक वाटर कूल्ड नेचुरली सेपरेटर 2340 cc 38 horsepower का डीजल इंजन इसके अंदर दिया जाता है, जो अपनी लॉन्ग लाइफ और कम मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है। और यह इंजन अपने बढ़िया डीजल एवरेज के लिए भी जाना जाता है। किसान साथियों, इस ट्रैक्टर के अंदर 38 horsepower का 3 सिलेंडर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो अपनी पूरी ताकत है, जो 2000 इंजन रेटेड आरपीएम पर प्रोड्यूस करता है। किसान साथियों, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 वाट का यहाँ पर अल्टरनेटर देखने को मिलेगा बैटरी वगैरह चार्ज करने के लिए। और इसको आप देखेंगे लोहे के गार्ड के द्वारा सुरक्षा दे रखी है ताकि कोई भी कचरा वगैरह इसके अंदर ना फंसे और ये खराब ना हो। नीचे की तरफ आप देखेंगे एक पावर स्टीयरिंग का पंप है और दूसरा है जो हाइड्रोलिक का पंप इसके अंदर दे रखा है। और आप देखेंगे कि हाइड्रोलिक फिल्टर है जो आप देखेंगे काफी बड़ा और हैवी ड्यूटी इसके अंदर दिया गया है। और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर देखेंगे इंजन ऑयल फिल्टर भी दे रखा है कंपनी के द्वारा। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 वाट का स्टार्टर दे रखा है ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए। किसान भाइयों, साइड के अंदर हम देखेंगे तो इसमें बैटरी बॉक्स लोहे का बना हुआ हैवी ड्यूटी दे रखा है और इसके अंदर आप देखेंगे एमरॉन की बैटरी बढ़िया कंपनी की दे रखी है। किसान साथियों, ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के लिए आप देखेंगे एक सिंगल फुट स्टेप की सुविधा इस ट्रैक्टर के अंदर दे रखी है। क्लच की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ड्यूल और सिंगल क्लच ऑप्शन के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। किसान भी अपनी जरूरत के हिसाब से इसे ले सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 50 kg का फ्यूल टैंक मिलता है, जिसे हम चाबी के द्वारा लॉक कर सकते हैं, जिससे डीजल की चोरी वगैरह होने की संभावना खत्म हो जाती है। आप देखेंगे इंडिकेटर काफी क्लासिक और विंटेज लुक के अंदर जो पहले आते थे वही इसके अंदर दिए गए हैं हैलोजन बल्ब के साथ में। और एक हैंडल बार दे रखा है ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के लिए। किसान साथियों, इसके अंदर आप देखेंगे कि फ्लैट प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, पहले के लुक को बरकरार रखा गया है। जैसा पहले फार्म ट्रैक 35 आता था चैंपियन, वैसा ही इसको भी डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। किसान साथियों, इस ट्रैक्टर में गियर बॉक्स की बात करें तो 8+2 गियर स्पीड यानी 8 स्पीड आगे के लिए और 2 स्पीड पीछे के लिए फुल्ली कॉन्स्टेंट मैस ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, जो कि गियर शिफ्ट करते समय आवाज नहीं करता और यह गियर बॉक्स लॉन्ग लाइफ और मेंटेनेंस फ्री रहता है। सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ में ट्रैक्टर आता है, साइड शिफ्ट गियर बॉक्स ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया जाता। किसान साथियों, ड्राइवर का व्यू कुछ इस प्रकार है, सामने की तरफ इस प्रकार दिखाई देता है ट्रैक्टर में। और साइड के अंदर आप देखेंगे इसमें रियर व्यू मिरर भी दे रखा है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो डिजिटल और एनालॉग के कॉम्बिनेशन के साथ में इसमें दिया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर फ्यूल गेज मीटर है, यहाँ पर आरपीएम मीटर दे रखा है और पास में टेम्परेचर मीटर है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर डिजिटल हावर मीटर भी दे रखा है। नीचे कुछ इंडिकेटर और लाइट्स के लिए इंडिकेशन दे रखा है। आप देखेंगे इसके नीचे ही इसके अंदर गियर स्पीड के बारे में, इम्प्लीमेंट्स की स्पीड के बारे में, किस गियर में कौन सा इम्प्लीमेंट चलाया जाना चाहिए, ये चीज इसके ऊपर मेंशन कर रखी है किसान भाइयों की सुविधा के लिए। साइड में ही इसमें हैंडरेस्ट देखने को मिलेगी और यहाँ पर पार्किंग लाइट वगैरह, इंडिकेटर के लिए लाइट वगैरह यहाँ पर दे रखी है। नीचे की तरफ राइट साइड में बात करें तो ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रैक्टर को बंद करने के लिए लीवर दे रखा है और नीचे की तरफ की पॉइंट है चाबी लगा के ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए। दूसरी तरफ इसमें हॉर्न दे रखा है और यहाँ पर लाइट को जलाने के लिए यहाँ पर एक स्विच दे रखा है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 वाट का सॉकेट दे रखा है, किसान भाई अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी किसान भाई को मोबाइल वगैरह रखने के लिए टूल्स वगैरह नहीं दी गई है, वो एडिशनल अपनी तरफ से किसान भाई को लगवाना होगा। काफी कॉम्पैक्ट और छोटे साइज के अंदर इसका सुंदर स्टेयरिंग दिया जाता है, देख सकते हैं आप, काफी सुंदर लगा मुझे और ग्रिप वगैरह भी काफी अच्छी है स्टेयरिंग की। किसान साथियों, इसमें ब्रेक्स की बात करें तो इसमें ऑयल इमर्स्ड ब्रेक दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। और यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ फुट रेस्ट दे रखी है, पास में ही आप देखेंगे यहाँ पर पोजीशन लीवर और ड्राफ्ट लीवर भी दे रखे हैं किसान भाई के हाथ की पहुंच तक। नीचे की तरफ आपको पार्किंग ब्रेक देखने को मिलेंगे। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लॉक की सुविधा भी कंपनी के द्वारा दी जाती है। किसान साथियों, इसकी सीट की बात की जाए तो इसके अंदर डीलक्स सीट देखने को मिलती है, जिसे आगे पीछे और वजन के अकॉर्डिंग किसान भाई इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसको आगे पीछे करने के लिए यहाँ पर लीवर दे रखा है, जैसे हम नीचे दबाएंगे तो इसे सीट को हम आगे और पीछे किसान भाई अपनी हाइट और वजन के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। किसान साथियों, इस ट्रैक्टर के अंदर टायर साइज की बात करें तो आगे के टायर आपको 6/16 के देखने को मिलेंगे और पीछे के टायर इसमें 13/6/28 को देखने को मिलेंगे। अपोलो कर्षक के इसके अंदर टायर दिए जाते हैं, कोई भी वेट वगैरह इस ट्रैक्टर में नहीं दिए जाते।
साथियों पीछे की तरफ जो इंडिकेटर है वो भी हैलोजन बल्ब के साथ में क्लासिक डिजाइन के अंदर दिए जाते हैं। ये पीछे की तरफ रात को काम करने के लिए हैलोजन बल्ब के साथ में ही लाइट दे रखी है बड़ी, और इसके पास में ही इस ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी देख सकते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए भी यहाँ पर स्विच इसके पास में ही दे रखा है। 5 साल की वारंटी दी जाती है इस ट्रैक्टर के अंदर, और वो चीज यहाँ पर आप देखें मडगार्ड के ऊपर मेंशन भी कर रखा है, 5 साल वारंटी, विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी। साथियों अगर इसके हम टूल बॉक्स की बात करें तो फाइबर का बना हुआ काफी बड़ा टूल बॉक्स दिया गया है, और ट्रैक्टर के साथ में नए ट्रैक्टर के साथ में किसान भाइयों को कुछ टूल्स वगैरह भी इस ट्रैक्टर में दी जाती है। सीट के पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर किसान भाइयों की सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, और सीट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक बटन दे रखा है। नीचे की तरफ 12 वाट का सॉकेट दे रखा है। ट्रॉली में या थ्रेसर वगैरह में लाइट ले जाने के लिए काफी बड़ा हैवी ड्यूटी जिसके अंदर एडजस्टेबल हिंच देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं काफी मजबूत और हैवी ड्यूटी हिंच इसके अंदर बनाया गया है। सीट के पीछे आप देखेंगे इसमें किसान भाई को सुविधा के लिए एक वाटर बॉटल होल्डर भी देखने को मिलेगा। किसान साथियों इसमें हाइड्रोलिक की बात की जाए तो इसमें एडीडीसी टाइप की ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में हाइड्रोलिक देखने को मिलती है, डबल सेंसिंग पॉइंट के साथ में जिसे मिट्टी के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। 1500 kg यानी 15 क्विंटल की इसके अंदर हाइड्रोलिक देखने को मिलेगी, जो कि भारी से भारी उपकरण उठाने में यह ट्रैक्टर सक्षम है। किसान भाइयों यह ट्रैक्टर सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आता है, और आप देखेंगे कि ट्रॉली को अटैच करने के लिए इसके अंदर एक QRC कपलर ऑक्सिलरी वॉल्व की सुविधा किसान भाइयों को दे रखी है, अलग से इसे लगवाने की जरूरत नहीं है, और ट्रॉली को उठाने के लिए आपको हाइड्रोलिक के लीवर ही काम में लेने होते हैं, अलग से इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की सुविधा कंपनी ने नहीं दिया है, QRC कपलर की सुविधा इसके अंदर जरूर दी है कंपनी ने। साथियों इसके लिंकों की बात की जाए तो लोअर लिंक आप देखेंगे काफी हैवी ड्यूटी और मजबूत दे रखी है, और आप देखेंगे कि इनके संतुलन के लिए यहाँ पर चेन सिस्टम नहीं है, ये मुझे पर्सनली काफी अच्छी सुविधा लगी कि इसके अंदर चेन सिस्टम नहीं दिया जाता है। अन्य ट्रैक्टर कंपनियों के कुछ ट्रैक्टरों में है जो चेन सिस्टम अभी तक चल रहा है, लेकिन फार्म ट्रैक ने इसके अंदर सुधार करते हुए शाफ्ट सिस्टम दे रखा है। आप देखेंगे कि लिंकों के संतुलन के लिए यहाँ पर शाफ्ट सिस्टम दे रखा है, काफी मजबूत और हैवी ड्यूटी। सन भाइयों इसके रियर एक्सल की बात की जाए तो इसके अंदर बुल रिडक्शन जिसे कहते हैं स्ट्रेट एक्सल के साथ में ये ट्रैक्टर आता है, जो कि पहले की तरह ही है, कोई भी इसके अंदर बदलाव नहीं किया गया है। किसान भाइयों पीटीओ पावर की बात करें तो इसमें 6 स्प्लाइन वाली 25 किलोवाट और 32.6 ओस पावर की दमदार पीटीओ पावर देखने को मिलेगी, जो कि रोटावेटर और अन्य पीटीओ से चलने वाले उपकरण चलाने में सक्षम है। कुछ जरूरी सूचना ट्रैक्टर की यहाँ पर देख सकते हैं कि मडगार्ड पर लिखी हुई है चैंपियन F12 मॉडल है, मॉडल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप देखें मैक्सिमम पीटीओ पावर किलोवाट में 25 यहाँ पर लिखा हुआ है। किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के अंदर एक ऐसी सुविधा दी जाती है जो अन्य कंपनियों में नहीं दी जाती, फार्म ट्रैक के सभी मॉडलों में ये सुविधा दी जाती है, केयर 24x7 बटन की सुविधा इसके अंदर दी जाती है, आप 24 घंटे और 7 दिन इसके अंदर एक बटन दिया गया है। कोई भी ट्रैक्टर के अंदर तकनीकी खराबी आ जाती है या ट्रैक्टर के बारे में आपको कुछ जानना है तो उस केयर बटन को आप 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो आप सीधा ही बिना मोबाइल के आप सीधा कस्टमर केयर से, फार्म ट्रैक के कस्टमर केयर से सीधा बात कर सकते हैं, और कोई भी सर्विस का काम है या ट्रैक्टर में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो इसकी सुविधा के लिए आप सीधा टेक्नीशियन से बात करके अपने ट्रैक्टर की समस्या को दूर कर सकते हैं। ये एक अच्छा और शानदार फीचर इसके अंदर दिया गया है। किसान भाइयों अब बात करते हैं इसके सर्विस अंतराल, वारंटी और कीमत की। तो पहली सर्विस किसान भाइयों को 50 घंटों के बाद करवानी होगी, और जितनी भी सर्विस हैं आने वाली वो 300 घंटों पर, प्रत्येक सर्विस 300 घंटों पर करवानी होती है। अगर वारंटी की बात की जाए तो इसके अंदर मिलती है 5000 घंटे या 5 साल की वारंटी। किसान भाइयों बात करें इसकी कीमत की तो राउतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर इसकी कीमत है 6,10,000 रुपए ऑन रोड विद एसेसरीज। आप देखेंगे कि बम्पर और हुड कंपनी लगा के देती है। किसान भाइयों कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही खेती किसानी और ट्रैक्टर से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।